आज का इस समारोह में राजस्थान सरकार का मंत्री श्री राजपाल सिंह जी शेखावत साहब, श्री केसर सिंह जी, श्रीमान गोवर्धन जी देवाजी साहब, खुशवीर सिंह जी, निमा ठक साहब, राज कंवर साहब, श्रीमान कान सिंह जी, राज सरपंच साहब, समेल सरपंच साहब, प्रधान साहब रायपुर, प्रधान साहब जयतारण, पूर्व प्रधान लाल मोहम्मद जी, खांगटा साहब सभा भवन अध्यक्ष जोधपुर और सब विराजमान भाया और माया, आज आप आई धरती पर बैठे हैं। आप आज धरती है जटा आज साढ़े 500 साल पहले इस जमीन पर इस जगह पर जी जगह आप बैठे बट हजारा आदमी को खून लोई पियो। आप जमीन और जगह है जटे गिरी में माथो कटे और धड़ा टार पड़ी और जूझार जी की जगह है, वीरा की जगह है, बलिदान की जगह है। माननीय राजपाल सिंह जी आप तो शेखावत और मैं भी शेखावत हूं। आप हमें तो मरबा बारबा को शेखावत हम घनी रीत री को नहीं और लंबो छोड़ो मरबा को काम और राठौड़ा को रहो इतिहास ही है। महाराजा मालदेव बहुत वीर है और इस स्थान पर शेरशाह सूरी की फौज ही और गिरी में मालदेव जी की फौज ही वीर में जो भोला भी है शेखावत भोला को नहीं मार भोला होता तो राष्ट्रपति कौन बनता, उपराष्ट्रपति कौन बनता, मुख्यमंत्री कौन बनता, राजपाल सिंह जी मंत्री कौन बनता और ढूंढाड़ो हार मैं थे राजसमंद को एमपी कौन बनता। तो मैं आप कह रहा चला गया इन्हीं तोमर के जमाने में मालदेव आज भी इतिहास के मायने पढ़ो तो राजस्थान में सबसे अगर मजबूत राजा आज तक हुए तो भी वो ना हुआ राजा मालदेव। मालदेव जिसा सेना का सेनापति अभिषेक का सैनिक था, जेता जी मजबूत था, गोपा जी मजबूत था, खेमकर जी मजबूत था और बार बताया आपने काम छिंदी की प्रकार सो सुबह नाता ने आर दाबाई जी कियो के लड़ाई लड़ दिए लड़ाई का नाव दूजनी पड़ जावे लोग भाग जावे का लड़ाई लड़ वाला यार मिनक मर वाला यार बम पड़ वाला यार हवाई जहाज पड़ वाली है जगार चोखड़ो छोड़ दिया लेकिन मैं धाड़ा में बैठे बैठे क्योंकि मजो आए वो काल सुबह लड़ाई हो और इस स्थान पर आई जगह जब शेर शाह ने ठापड़ी का मालदेव का मायना पर युद्ध में जीत नहीं सका राठौड़ बहुत घोड़ा में आ महिला पांच चार आदमी चार शेर शाह मिल गया और शेर शाह ने क्यों शेर शाह डर मती मां में फूट गई है मैं तने गेलो बता कि तरीका सो शेर शाह सूरी तू जीत सके क्यों ढाला या ढाला भी साइड का मैं अफगानिस्तान साइड का शेख है शेर शाह सूरिया बटे ढाला ले आया और बा ढाला का मैंने पर्चा गाल दिया शेर शाह सूरी का हाथ का लिखेला फलाड़ सिंह जी थे युद्ध का मैंने मदद कर जो और युद्ध के जीते बाद यही गांव की जागीर फलाड़ सिंह जी ठाने मिली आया कि सोखाट की पर्चा माए ढाल कमाए डाल दी और मां ढाला ने दे दिया मां सेना बचा ने महादेव जी का सेना बचा दे जब मैं जेता जी भी आ कूपा जगह भी लोग आप ढाला ने बन ले ठाको नहीं की ढाला कमाए काई का लेड़ो है और फिर महादेव क्यों महादेव थे कौन भरोसा लड़ाई लड़ लियो ढाला है सेना पर जगह माए मैं मिल गया और का लड़ाई हो इधर जेतो रो कूपो रो दूसरा जितना नेता है जितना है जितना सेनापति है हगरा तो भाग दे तने एक लो छोड़ दिए तने गिरफ्तार कराए गए मालदेव ने सोची बनी कि मारा सैनिक मारा भी
बेटी का बापा राजा तो ये क्या कि राजा तो बोला दिए जाना बोला है। मैं विचार कर लेता पूछ लेता बुला जेता जी कुंपा जी ने कि भाई वो काई खेल है पूछो ताचो कोनी मालदेव जी रातो रात भी रोगा कहीं मैं तो धोखो है काल सुबह आप मारे जावा पकड़ी जावा और मालदेव जी जोधपुर पूका सुबह जेता जी कुंपा जी उठ यार मालूम करे रे भोजा करने की राजा करने की हो तो राजा गया जोधपुर भोजा गई जोधपुर की जातरी बिलार की जातरी जेता की थोड़ी पूकी पर अब थे बचाओ हजार पांच सौ पंद्रह सौ अब थाके मुंडो कालो हो रही थाके कह शेर शाह सूरी और युद्ध जीत को जेतार गुपा की मरा या तारा राजा भागे आ रहे इस धरती माता के वास्ते इस जमीन के वास्ते ये माँ का भोला भरा छत्तीस कौम का लोगा की सुरक्षा वास्ते मैं अटे प्राण देवा अटे मरा अटे लड़ा युद्ध जीत और जेतार गुपा जी राजा राजा होगी बिना सेनापति के बिना राजा के अतः इस स्थान पर युद्ध लड़ो और यदि आप बोलो कि लाल और को पूरा यही और तुम्हारे खून की नजर बहेगी और शेर शाह ने खबर ठा पड़ी का पर युद्ध हार पड़ा शेर शाह त्राय माम कर हाथ जोड़ कियो अरे बेटे का बापोट वे कहीं बाजी शाह की मारवाड़ा वे बोली छोटा दिल्ली में चावल क्यों हो गए मैं कहते उल्टो और पचगो मैं एक मुट्ठी भर बाजरी के वास्ते हिंदुस्तान को राज खो दे तो अगर राठौड़ा की आपस की राड़ नहीं होती मालदेव टूट नहीं जाता तो आज हिंदुस्तान इतिहास दूसरे पर तो ये अपने इसी स्थान का इतिहास है। तो मैं कहना चाहता हूं और लोकतंत्र को तो मालूम है आज भी मालदेव है आज मालदेव है बैठे राठौड़ा बहुत सारा मालदेव बैठे जेता और कुंपा लेकिन बा मालदेवा ने आज का मालदेवा ने नसीहत देनी चीज है कि भोलो पड़ो मुंह राख लो बैठे तो नहीं देखी जुड़ो और आप आदमी हमेशा विश्वास राख लो अगर विश्वास रखता तो आज राजस्थान में क्या दूसरा हो तो हिंदुस्तान में क्या दूसरा हो तो आज वो वोट को जमानो है अरे कांग्रेस बीजेपी को सवाल नहीं है बीजेपी का नेता है मैं कांग्रेस का नेता माँ को ख्याल ना रो है आपको ख्याल ना रो है एक काल जाता है माने गाया काटे मैंने गाया काटा क्योंकि राज की लड़ाई को सिस्टम बदल को अब तोप नहीं अब बंदूक नहीं तलवार नहीं माथो कट्टो नहीं धर कट्टी नहीं केवल माता की लवा लव कर ली और आया की काम कर लो जिनका आदमी को विश्वास बढ़े छत्तीस को माने प्रेम जोड़ा गुजर ने नाथ ने जाट ने राजपूत ने ब्राह्मण ने सबकी सेवा करा आवारा देव घर घर जा हर व्यक्ति की जितनी मदद करे बा मदद करा ओ आज को मालदेव को और आपने आपो आप कुंपा जी को आज को सिस्टम ओ है इमास्ते ये अवसर पर कान सिंह जी आप बहुत ही बहुत सुंदर काम करे है आने वाला टाइम में अमर मंत्री जी कहवा मां की तो अमार दुकान दी है कोनी भाई मांगट के दाम दे बड़े है कोनी मैं एमपीओ जर पांच लाख दिया लेकिन क्यों कटे प्रश्न ही को नहीं या कोई शिष्य ढीक लग गया को नहीं अवार मंत्री जी के दोनों खोजा ब्रिज रहा है और राज वाग अकेला रे मोटरा दौड़े पुलिस दौड़े कलेक्टर दौड़े एमपीओ दौड़े डिप्टी दौड़े मारे तो चार साल तो राजपाल जी को पूछा को नहीं आने दो चार महीनों थोड़ा हूं करा तो हस्पाल लग गया है अब राम सूझे कहीं करी कहीं नहीं करी लेकिन आज का टाइम में आज सत्ता में आप हो आपसे मैं नहीं होते ना शेखावत हो मैं ही शेखावत ये भी वीरता वीरता में तो आप यू तो वीर आप आप बराबर को दी राष्ट्र आपको तो वीरता कोई मुकाबला को नहीं तो बिना मत तलवार चला ले लेकिन आज का ही जमाना का मायने भी मंत्री ही मोटा प्रकार का राज का सिंहासन का एक खजाना का कुंची का मालिक है ये वास्ता आपसे निवेदन करा आप बैठ चाहे लखावत साहब के बैठो आपके अंदर एक ओवर है भागे ने पांच सीमेंट की फैक्ट्रिया राजपाल से पांच सीमेंट की फैक्ट्रिया बेटा कमा कमा और बड़े खा रही है और मजदूर ने मार लिया है एक मजदूर फैक्ट्री में लगा हुआ नहीं कोई प्रदूषण भेजे कोई आपको ऊपर को धुआं भेजे और लोग अभी टीबे हो रही है मर रही है लेकिन इधर सिस्टम है कि हर फैक्ट्री हर साल कुछ रुपया समाज के वास्ते खर्च करे ये कानून है कान सिंह जी कांची जी कानून है हर फैक्ट्री प्रतिवर्ष अपने खाते में से कुछ रुपए सामाजिक सेवा में खर्च करते हैं राजपाल जी उद्योग का मंत्री है
आप फेंकिया ना की चाबिया चावे तो फेंकिया काल बंद काल चावे तो काल खुले वे कुंचा राजपाल जी अभी फेंकिया नहीं फ्री है कुंचा चावे तो बंद कर दे चावे तो खोल दे आओ मुझे करो चावा कि आप फेंकिया ने थोड़ा क्यों थोड़ी पूछी थोड़ी है लो अरे रुपया 20-30-40-50 लाख रुपया आप एक एक फेंकू लो और 5-6 फेंक दिया है तो 5-7 करोड़ रुपया बाबू सुबह दे ही गया मैं तो उन्हीं पेशा है अरे तू बोल क्या कर रही है कोई दूसरे क्या अरे नींद वाला तो वो दूध और दूध गंदे खाने वाला है इसलिए आपसे निवेदन है कि इन अवसर पर आप सब उतार लोग बदल गया बहुत खुशी है और कोई राजपूता वो फंक्शन नहीं है और गुजरा को नहीं है और जाटा को नहीं है कान सिंह जी को नहीं है गोपाल सिंह का नहीं है राजपाल सिंह का नहीं 36 को आपको इतिहास पर नाम है इतिहास को पन्नों आप खोलो फिर नाव आई सुमेर फिर नाव आई गिरी काल आप कोई पीड़ा राजस्थान का सब अखबार हमारे सुमेर कर गिरी को नाव चलो बेटी का बापा गांव का नाव है तो करा जीत रहा जीत रहा था मरा मिलता आप अवसर पर आप सब लोगों ने राजपाल सिंह जी को मैं राजपाल सिंह पुराणों में मेरी एंट्री ली हो अब तो ऐसो इलाज करो बेटा आपने छंगारा छांगे नहीं खेल दिया खेलता छांगता छांगता पे बजरंग सिंह जी कहे गए डॉक्टर साहब एक तुल्य राज के ऊपर के खेल दी बूंदी नहीं लागे मागा कावे था पहले के तुल्य पूरे अगला काट दिया बेटा एक तुल्य पूरे दिया 25 के 25 हजार का अब चुनाव आ रही है था गए हरे अजमेर हर हरा रही है अब कहीं करे कहीं नहीं करे समता राज नहीं महाराज मैं तो महाराज तो हाथों नहीं ये वास्ता जनता जनार्दन है आज को तो वही जमाना है कि जो सेवा करे जो मेवा पाए 36 को उनकी सेवा करा बीजेपी सेवा करी तो माने मेवा मिली माकड़ा सेवा करी तो माने मेवा मिली और जनता जनार्दन हमारा टाइम में ये अवसर पर ये दिन में और परमानेंट दिन ऐसे एकांशी तारीख तो है तिथि हर साल 5 जनवरी आपने तो वही देवरो है वही आपने हर प्रकार को मिलकर है हर बार आना मैं भी आवा और सब प्रकार की प्रसन्नता रहे भगवान आपका बड़ा प्रेम स्थान पूजी से और हिंदुस्तान का भर भर का लोग आ रहे कि चित्तौड़ को किला को जिया जोर देखे जिया अटे भी आवा आपका ये न देखे बलिदान ने धन्यवाद जय हिंद